इंदौर शहर में लॉकडाउन की वजह से थमी हुई ट्रेनें फिर से चलने को तैयार हैं। लंबे समय बाद रेलवे प्रशासन कोरोना इन स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। एक लंबे अरसे के बाद ट्रेनों के चालू होते ही रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की रौनक दिखाई दी। देश में करीब 80 गाड़ियां चलाई जाने वाली हैं, जिसमें इंदौर जिले की भी दो ट्रेनें शामिल हैं। एक इंदौर से दिल्ली इंटरसिटी चलेगी और दूसरी इंदौर से हावड़ा हफ्ते में 3 दिन चलेगी। आपको बता दें कि इन ट्रेनों में जितनी सीटें होगी उतनी ही सवारी बिठाई जाएगी। इंदौर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन पूरी तरह से बुक हो चुकी है और 3 दिनों तक की वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी है। साथ ही प्रशासन द्वारा यात्रियों को नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और कोरोना को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। हर जगह पर चेकिंग की जा रही है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। जी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर पहले तो आप, आज से ट्रेन स्टार्ट हो रही है सर, पहले तो आप ये बताइए सर आज कौन कौन सी ट्रेन चल रही हैं और सर आने वाले समय में कौन कौन सी ट्रेन स्टार्ट हो जाए। देखिएगा, जो लॉकडाउन शुरू हुआ था 22 मार्च के बाद जो ट्रेनों का संचालन बंद हुआ था उसे पुनः स्टार्ट किया गया है और भारतीय रेलवे पे ये रेल मंत्रालय डिसाइड करा है कौन कौन सी ट्रेन चलाई जाएगी, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की सहमति बहुत ज़रूरी है। तो इंदौर से हम लोग बात करें तो इंदौर से जबलपुर हमारी शुरू हो चुकी है, इंदौर से हावड़ा शुरू हो चुकी है जो, और इंदौर से नई दिल्ली जो निजामुद्दीन जाती है जो इंटरसिटी काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो कुल मिला के इंदौर से 3 ट्रेनें यहाँ रवाना हो रही हैं और तीनों ट्रेन विशेष ट्रेन के रूप में चलाई जा रही हैं। और विशेष ट्रेन का मतलब है कि जितनी भी बर्थ हैं उतना ही रिजर्वेशन मिलेगा, इसके अलावा किसी वेटिंग लिस्ट को उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। सर जैसा हम इधर देख रहे हैं सर कि बहुत अच्छी तरीके से सर सारी गाइडलाइंस को फॉलो कराया जा रहा है, सर ये प्रशासन की गाइडलाइन से क्या आप लोग भी इसमें कुछ ऐड करके सर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं? देखिए, हम रेल प्रशासन चाह रहा है कि हमारे जितने भी यात्री अपनी यात्रा करें तो वो किसी भी संक्रमण से बच के अपने गंतव्य तक पहुँचें, अपने घर तक पहुँचें। तो उसके तहत रेलवे ने एक सिस्टम लगाया है, इसको आत्मा मशीन के नाम से हम लोगों ने नाम दिया है। इसमें टेम्परेचर लिया जा रहा है और टेम्परेचर के अलावा हम लोग उसकी जो टिकट है वो मैनुअली कंप्यूटराइज टिकट चेक कर रहे हैं, वो किसी टीटी को आपकी टिकट को हाथ लगा के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनको यहाँ से बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो उसको हम लोग उसका अल्टरनेट बता के उसको मास्क सहित ही आगे रवाना कर रहे हैं, नहीं तो उसको वापस कर रहे हैं। कुल मिला के हम कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग सुरक्षित अपने घर तक पहुँचे। और सर यात्रियों की जो संख्या है सर उसमें सर मतलब मिनिमम लोग जा रहे हैं कि कम ही लोग जा रहे हैं सर? देखिए, कोरोना का डर बहुत ज़्यादा है, अभी लोगों में कोरोना का भय है जिसकी वजह से लोग कम यात्रा कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंदौर से हावड़ा की, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में लोग कृपण करने के लिए वहाँ जाते हैं, गया साइड जाते हैं, इसकी वजह से वो गाड़ी पैक है। इसके अलावा जबलपुर गाड़ी भी पैक नहीं है, उसमें भी काफ़ी कम लोग यात्रा कर रहे हैं। और इंदौर से जो इंटरसिटी जो काफ़ी पॉपुलर ट्रेन थी उसमें 50% ही ऑक्यूपेंसी है। अगर आज बात करें तो करीब 600 यात्री बुक हुए हैं और इंदौर से करीब 365 लोग रवाना होंगे आज। सर आने वाले समय में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है क्या? देखिए, रेल प्रशासन ने रेल मंत्रालय को लिखा है कुछ विशेष ट्रेनों के लिए, जैसे कि एक इंदौर से पटना है उसके लिए लिखा है, राजनगर के लिए, इंदौर से मुंबई जो अवंतिका जाती है उसके लिए लिखा है, इंदौर से पुणे जाती है उसके लिए लिखा है, और इंदौर से गांधीधाम और गांधीनगर जाती है उसके लिए लिखा है। तो रेल मंत्रालय जैसे ही इन पे कोई डिसाइड करता है या स्टेट गवर्नमेंट स्वीकृति देती है तो एक गाड़ियों का संचालन हो जाएगा सर। ओके, और सर आप कुछ बता सकते हैं सर, जैसे सारे देश में ये गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं, सर इंदौर में कुछ विशेष आपकी तरफ से सर जो रेलवे प्रशासन? इंदौर का
इंदौर रेल प्रशासन रतलाम रेल मंडल का ये उद्देश्य है कि हमारे जितने भी यात्री हैं बिल्कुल सुरक्षित यात्रा करें। हम लोग जैसे ही यात्री आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग की हम लोगों ने मार्किंग की हुआ है उस पर खड़ा करते हैं, और हमारा RPF स्टाफ जो रेलवे सुरक्षा बल है उनको पूरी तरह से फॉलो करवा रहा है। इसके बाद में जब वो मेन केबिन में आते हैं तो उनका थर्मल स्कैनिंग द्वारा उसका टेम्परेचर नापा जाता है। इसके बाद में फिर आगे जो एक सिस्टम है उसमें उनके टिकट चेक किया जाता है, इसके बाद फिर उसको अलाउ किया जाता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो सर आप लोगों को किस प्रकार से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं सर? जैसे हम रेलवे चाइल्ड लाइन से हैं, यहाँ पर हमको लगभग कम से कम 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं जी। हम यहाँ पर लोगों को रेलवे चाइल्ड लाइन के बारे में बता रहे हैं। जो छोटे बच्चे अपने घर से भाग कर जाते हैं, घर वाले परेशान करते हैं, या तो फिर कोई बच्चे को किडनैप करके ले जाते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए हम लोग यहाँ जागरूक कर रहे हैं। 1098 नंबर है हमारा, ये मतलब सिटी चाइल्ड लाइन में भी है और रेलवे चाइल्ड लाइन में भी। तो 1098 के बारे में हम लोगों को बता के जागरूक करते हैं छोटे बच्चों के लिए। सर आप कहाँ, यहाँ कितने लोगों का ग्रुप काम करता है? यहाँ पर हमारा 12 जना का ग्रुप है, उसमें टीम मेंबर भी हैं, वॉलेंटियर भी हैं और हमारे कोऑर्डिनेटर सर हैं। और सर आप लोगों को इस टाइप से भी जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग लगाइए? सर हम सोशल डिस्टेंसिंग में तो काम कर ही रहे हैं, जैसे लोगों को मतलब डिस्टेंसिंग कम रही थी और हम चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बच्चों के प्रति। अभी जो है जिस तरह से शोषण हो रहे हैं, आपने देखा होगा बच्चों के प्रति जो है अपराध काफ़ी बढ़ रहे हैं। आपने अभी जो एक नया जरिया हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू, आपने देखा होगा लॉकडाउन में जो है लॉकडाउन में बच्चे घर में थे और कुछ सोशल एक्टिविटीज़ इस तरह से हो रही थी जिससे जो है बच्चों पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो जो है गलत दिशा की हो जा रहे थे। तो ये जो है हमारा एक दायित्व है, क्योंकि हम चाइल्ड लाइन से हैं तो हमारा दायित्व है कि हम बच्चों को जो है एक सही दिशा दें और उनके प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसको जो है उसको कम किया जाए। क्योंकि आप अभी देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चों को लेकर अपराध हो रहे हैं, इस तरह से आप रोज़ न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि किस तरह से जो है बच्चों के साथ घटनाएँ हो रही हैं, तो उसी को कम करने का हमारा प्रयास है। हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएँ हमारे देश में ना हो। हमारे देश में जो है बच्चों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिले, वो कहीं पर भी जाए तो उनको एकदम फ्रीली माहौल मिले, उनको किसी प्रकार का कोई डर ना रहे। इसी के लिए जो हम रेलवे स्टेशन पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो वो जो है बच्चों के प्रति जो है ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि बच्चों की बातों को जो है लाइटली लिया जाता है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता अगर वो किसी भी बारे में बोलते हैं तो। बच्चों जब लोगों को जागरूकता होगी, जब लोगों को जानकारी होगी, उसके बाद जो है वो अपने बच्चों की बातों पर ध्यान भी देंगे और इस तरह की घटनाएं होने से बच जाएंगे। तो इस विषय में तो आप प्रशासन से कुछ मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से, हमारी प्रशासन जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, उन्हीं के थ्रू जो है महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा ही ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। चाइल्ड लाइन जो है महिला बाल विकास मंत्रालय के थ्रू चल रहा है, तो इसमें जो है प्रशासन का हमें फुल सपोर्ट है कि हम जो है लोगों को जागरूक करें, बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनके बारे में उन्हें बताए, अगर उनके कुछ सजेशन होते हैं तो वो भी हम लें, ताकि जो इसमें सरकार में और बच्चों के प्रति कानून बनने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रहेगी लोगों की, तो उनके क्या विचार है और वो किस तरह से सोचते हैं। ओके, थैंक यू। आप कुछ बोलेंगे? कुछ हम लोग बच्चों के लिए जो भी ये सब कर रहे हैं 24 आवर्स की सेवा है। ये हमारे केवल स्टेशन ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह सिटी के लिए है। और लोगों को हम यही जानकारी देंगे कि अगर जितना ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है, बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उसके बारे में लोग जागरूक होंगे तो वो दूसरों को जागरूक करेंगे और बच्चों के लिए अपराध कम होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।